वी स्पेंड 1/3 ऑफ आर लाइफ स्लीपिंग. कुछ लोग थोड़ा कम सोते हैं, कुछ लोग थोड़ा ज्यादा सोते हैं, लेकिन आई एम श्योर इफ वी ऑल न्यू के छोटे छोटे चेंजेस करने से हम अपनी बॉडी को एक अवस्था दे सकते हैं जिससे कि जब हम सो भी रहे हैं तब भी हमारी बॉडी बहुत अच्छे से ऑपरेट कर रही है एंड वी आर लूजिंग वेट जस्ट बाय स्लीपिंग. है ना, हाउ कूल इज दैट? इट्स काइंड ऑफ लाइक पैसिव इनकम ना, दैट योर मनी इज मेकिंग मनी इवन वेन यू आर नॉट एक्टिवली वर्किंग. सो समथिंग लाइक दैट. सो आज की वीडियो में हम इसी की बात करेंगे एंड विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट थिंग, अगर आप वेट्स लिफ्ट करते हो, देर इज सम एविडेंस टू सजेस्ट कि शाम को जब आप वर्कआउट करते हो दैट माइट बी बेटर. सो मॉर्निंग में कार्डियो प्रैक्टिसेस टिपिकली, ऑफकोर्स एम्प्टी स्टमक कार्डियो जब आप करते हो यू स्टैंड टू बेनिफिट, बट इवनिंग में आपकी जो लिफ्टिंग एक्टिविटी है, कोई भी वेट लिफ्टिंग एक्टिविटी है, अगर आप उसको शाम को शिफ्ट कर देते हो, देर इज सम साइंटिफिक एविडेंस टू प्रूव कि वो आपके वेट लॉस को, आपके फैट लॉस को ज्यादा प्रमोट करता है. So of course I link the study below, but some reasons that come to mind is of course कि जब आप workout कर रहे हो gym में, you are working out on more calories because during the day you have eaten a certain number of calories and because of that आप अपने workout में you are going to perform better, you are going to be lifting heavier, तो वो automatically आपके लिए better हो जाता है. Apart from that the rest which is very very important कि after a lifting workout you get enough rest, that also happens in a very congruent manner जब आप शाम को lift करते हो और फिर आप अपना डिनर करके यू कॉल इट अ नाइट एंड यू आर एबल टू गेट दैट मच नीडेड रेस्ट आफ्टर योर लिफ्टिंग वर्कआउट. तो उससे भी जो ग्रोथ हार्मोन है उसका जनरेशन बेटर होता है. ऑफ कोर्स इट्स गोज विदाउट सेइंग कि जब आप सुबह ही जा सकते हो फिर सुबह ही जाओ, लाइक इट्स नॉट दैट शाम को नहीं जा सकते तो बिल्कुल भी नहीं जाओगे, बट हाँ, आई मीन इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इवनिंग में यू कैन गो एंड डू योर वेट लिफ्टिंग, देन ट्राई एंड सी हाउ दैट वर्क्स फॉर यू. ड्रिंक अ केसीन प्रोटीन शेक. अब ये कुछ फैंसी प्रोटीन शेक नहीं है, जो हमारा टिपिकल दूध होता है ना जो हम रात को सोने से पहले पीते थे, दिस इज द अल्टीमेट ओरिजिनल प्रोटीन शेक. ओके, सो बेसिकली दूध पी के सोना, देयर इज अ लॉट ऑफ मेरिट टू दैट बिकॉज दूध में ही वो प्रोटीन होता है कॉल्ड केसिन, ग्रेजुअली डाइजेस्टेड बाय योर बॉडी ओवर 8 आवर्स. तो ये थ्रू आउट जब आप सो रहे होते हो तब भी आपकी बॉडी में स्लो रिलीजिंग प्रोटीन का काम करता है एंड इट हेल्प्स यू बिल्ड योर मसल्स. सो डच रिसर्चर्स कहते हैं कि केसिन जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस को एनहांस करता है, विच मीन्स के न्यू मसल ग्रोथ को वो एड करता है. एंड ऑफ कोर्स इफ यू हैव मसल यू आर बाउंड टू बर्न फैट बेटर, इज साइंटिफिकली प्रूवन. नंबर 3, टेक अ कोल्ड शावर. दिस इज वेरी वेरी हार्ड टू डू फॉर सम पीपल, नॉट मी. ये आपके बॉडी के ब्राउन फैट को एक्टिवेट करता है जो कि बाद में सोते टाइम इट रियली हेल्प्स यू बर्न अ लॉट ऑफ फैट. सो इवन इफ यू आर टेकिंग पूरा अपना बाथ विद लूक वार्म वाटर, जो लास्ट के 30-40 सेकंड है उसमें भी अगर आप ठंडे पानी से नहा लेते हो, दैट एड्स इन फैट लॉस. स्लीप इन अ कोल्डर रूम. सो जब आप टेम्परेचर अपना लोअर करके सोते हैं अपने कमरे का, अकॉर्डिंग टू अ स्मॉल स्टडी कंडक्टेड बाय द जर्नल ऑफ डायबिटीज, दे सेड कि जब पार्टिसिपेंट्स ने अपना जो रूम टेम्परेचर था वो 66 डिग्री फारेनहाइट पे कांस्टेंट रखा था, इन्होंने ये अपना जो फैट बर्निंग ब्राउन फैट होता है इसमें इंक्रीज देखा टू अबाउट 42%, एंड दे आल्सो एंडेड अप बूस्टिंग देयर मेटाबॉलिज्म बाय अबाउट 10%, व्हिच इज ह्यूज, राइट? व्हिच मींस कि जस्ट बाय डूइंग दिस वन थिंग यू स्टैंड टू बर्न अ लॉट मोर फैट. अब 66 डिग्री फारेनहाइट का मतलब सेल्सियस में 18 डिग्री होता है, एंड आई डोंट नो अबाउट यू बट मैं तो 18 डिग्री में नहीं सो सकती. So definitely I think it also has a lot to do with the general disposition of the people where the study is conducted, right? But the consensus seems to be ke apna room on the cooler side rakhiye rather than the warmer side, because jab aap warmer side pe room ko rakhte ho to that also messes with your ability to stay asleep. To room ko thoda thanda rakho and you will be better for it. The next tip is around eating on a schedule. Meal times hamare circadian rhythm ko bahut zyada impact karte hain, so it makes a lot of sense to eat at a certain time, एक टाइमलीनेस इंट्रोड्यूस करना अपने खाने पीने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूजुअली अपना खाना 7 to 8 PM के बीच में खाते हो तो उसी टाइम पे आपकी बॉडी आपके हंगर हार्मोन्स को रिलीज करना शुरू कर देती है. सो योर बॉडी लव्स रूटीन, राइट? सो इट विल एक्ट पर योर स्केड्यूल. तो अगर आप एक ऐसा सा स्केड्यूल बना लोगे देन यू विल सी के योर बॉडी इज रिलीजिंग द राइट काइंड ऑफ हार्मोन्स एंड यू आर एबल टू डाइजेस्ट योर फूड अ लॉट बेटर एज वेल, अगर आप एक स्केड्यूल पे खाना खा रहे हो तो. सो वाइल यू
यू डोंट रियली हैव टू बी अ स्टिकलर टू इट कि मतलब एक बजे डॉट पे ही खाना खाना है, बट ज्यादा 20 मिनट्स इधर उधर से ज्यादा मत कीजिए अगर हो सकता है, बिकॉज दैट इज वेन योर बॉडी परफॉर्म्स द बेस्ट. डोंट ड्रिंक बिफोर बेड. सो यू नो दिस थिंग अबाउट हैविंग अ ग्लास ऑफ वाइन बिफोर स्लीपिंग एंड ऑल इट इज वेरी गिमिकी नीडलेस टू से, बट ऑल्सो इट इज एक्सट्रीमली अनसाइंटिफिक. हैविंग अ ग्लास ऑफ समथिंग, हैविंग अ ग्लास ऑफ सम अल्कोहलिक ड्रिंक हेल्प यू फॉल अस्लीप फास्टर, बट जो आपकी नींद की क्वालिटी होती है वो बहुत लो हो जाती है. तो एक्चुअली आप बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं करते हो इफ यू हैव दैट क्विंटेसेंशियल ग्लास ऑफ वाइन बिफोर बेड. योर बॉडी डज नॉट बेनिफिट एट ऑल. जब आप वाइन या कोई भी अल्कोहल लेके सोते हो तो इंस्टेड ऑफ बर्निंग फैट व्हाइल यू आर स्लीपिंग, आपकी बॉडी बिजी हो जाती है मेटाबोलाइज करने में उन कैलोरीज को जो उसने अल्कोहल के थ्रू कंज्यूम की है. लास्टली, टेकिंग द हेल्प ऑफ योगा इन सम फॉर्म इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हेल्पफुल टू एंश्योर दैट यू आर स्लीपिंग मोस्ट ऑप्टिमली. सो इसमें दो चीजें आ जाती हैं. पहला आ जाता है फॉरवर्ड फोल्ड्स. तो कोई भी जो आसन होते हैं जिसमें आप आगे की तरफ झुकते हैं और अपने पैर टच करते हैं, या कि विपरीत करनी होता है, लेग अप द वॉल पोस्चर होता है, वो दोनों स्पेशली बहुत बेनिफिट करते हैं इन कामिंग डाउन योर नर्वस सिस्टम, विच एक्चुअली हेल्प्स यू स्लीप मच बेटर. सेकेंड इज द एस्पेक्ट ऑफ योग निद्रा. तो जब आप अपनी बॉडी को, बॉडी के एक एक पार्ट को रिलैक्स करके जब आप सोते हो तो योर बॉडी बिहेव्स वेरी वेरी डिफरेंटली एंड इट्स ड्रामेटिकली डिफरेंट कंपेयर टू बस बिस्तर पे पड़ के सो जाना. बिकॉज यू नो सबकॉन्शियसली अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन इन आवर बॉडी विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ. सो टू एक्टिवली पुट ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी टू रेस्ट एंड देन स्लीप इंश्योर्स दैट आवर नर्वस सिस्टम इज काम एंड द एंटायर बॉडी इज बिजी doing what it's supposed to do, which is cleaning out your system and burning fat rather than processing all this khichdi that is pakoing in your brain. Agar aapki body us sab cheezon ko digest karne mein lag jayegi, then you will not be able to really benefit from a good night of sleep. So those are the things that I wanted to share today. Let me know what you think. Let me know if you have any thoughts around, you know, okay, do you think that it's actually possible to do certain things to sleep more optimally and to burn fat? Is there anything that you would like to share? We would love to know. So thank you so much for watching and please take care and bye.